प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के लिए सस्ते दामों पर अच्छे किस्म का राशन मुहैया कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उचित मूल्य की दुकान संचालक कर्मचारी इन योजनाओं की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। करनौत खातेगांव अनुभाग के ग्राम काकड़दी ग्राम पटरानी के पूर्व विधायक कैलाश कुंडल ने राशन दुकानों का निरीक्षण किया तो गरीबों को मिलने वाला शासकीय उचित मूल्य राशन सामान में दिए जाने वाला चावल एकदम घटिया किस्म का है, जिसमें कीड़े कंकर खराब सामग्री दी जा रही है। पूर्व विधायक कैलाश कुंडल ने शासन प्रशासन पर सवाल करते हुए गरीबों के साथ अन्याय है, घटिया किस्म का राशन सामग्री वितरण करने को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर देवास चंद्रमोली शुक्ला को अवगत कराया है। गौरतलब रहे कि गरीबों को मिलने वाला राशन सामग्री में चावल की कालाबाजारी कर रहे करनौत के अनाज व्यापारी अतुल धारीवाल को खातेगांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 300 क्विंटल चावल जब्त किया गया था। आरोपी वर्तमान में जेल में है। टीएमटी न्यूज करनौत चंचल भारती की रिपोर्ट। कितने साल से आप चला रहे हैं ये? 21 साल से। कितने राशन कार्ड है आपके पास? बीपल कार्ड के और 356। कितना आवंटन आता है आपको चावल का गेहूं का? चावल गेहूं का आता है, कम ज्यादा चलता है। कम ज्यादा चलता है, मतलब 50। अभी घटिया स्तर का आपको चावल देखा आपने, कीड़े थे, कंकर थे, सब कुछ थे आपने।